आज से मैं आपका नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 12A का। यूज डायरेक्ट मेथड टू इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट मेथड क्या स्टूडेंट? बहुत ही डायरेक्ट है। इसमें आप ध्यान रखना, एक को कॉमन लेना। सपोज ये कॉमन है, इसको सोचना कि अभी केक है। इसको आप क्या सोचना स्टूडेंट? एक केक है, एक पूरा। दो नंबर को हम क्या सोचेंगे? केक सोचेंगे। इसको एक भाई ब्रदर वन, एक भाई ये दूसरा भाई। इस केक को पहला फर्स्ट भाई खाएगा, उसके बाद सेकेंड भाई इसी केक को खाएगा। मतलब ये केक क्या है? इसके लिए कॉमन है। ये मैं आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूँ ताकि आप ऐसा सम को आराम से कर लेंगे। अभी केक देखते स्टूडेंट, केक तो सबको पसंद है स्टूडेंट। अब केक बोलते स्टूडेंट मुँह में पानी आता है स्टूडेंट सबका। चलिए केक लिख लेते हैं। अब केक को पहला भाई का नाम क्या है? एक्स हो गया। अब पहला भाई ने केक खा लिया। अब किस बारी है? दूसरा भाई। हमेशा साइन देखना स्टूडेंट। दूसरा भाई का नाम क्या है? प्लस थ्री। अब ये दूसरा भाई भी क्या करेगा स्टूडेंट? केक को खाएगा। केक का नाम क्या है? एक्स प्लस एट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 3x। ठीक है स्टूडेंट, ये जाके दोनों से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में पावर के पावर ऐड होता है। देखिए 1 प्लस 1 2, x का पावर 2 हुआ। पावर क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर 8 को अगर x से किया, 8 इंटू एक्स 8x। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, 3 को अगर मैंने x से किया 3x। अब 3 को 8 से, मतलब ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 को जब हम 8 से करेंगे, 8 3 इज 24। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों की फैमिली का है। देखिए स्टूडेंट दोनों की फैमिली का है, प्लस 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 होता है। प्लस प्लस क्या स्टूडेंट? प्लस होता है। तो 8 प्लस 3 क्या था स्टूडेंट? 11। हमेशा आगे का नंबर ऐड होगा। 8 प्लस 3 11, एक्स प्लस 24। तो ये स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं था, इजी था स्टूडेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा टेक्निक लगाना तो आसान होगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 1 का हो गया। अब 1 का बाद हम 2 करते स्टूडेंट, इसी का सेकेंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना, केक को दो भाई खाया, बस इससे आपको क्या आसन सब आराम से हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट करते स्टूडेंट, y प्लस 5 y माइनस 3। स्टूडेंट फिर से इसको हम केक मान लेते हैं। ये स्कूल एग्जाम में देखना आप केक, फिर टीचर आपको फिर बड़ा मार्क्स में 0 केक दे देगा। ठीक है, आप केक मत लिखना इसमें। ये केक, ये ब्रदर वन, ये ब्रदर टू। चलिए वाई प्लस 5। अब इस केक को पहला भाई का नाम क्या है? वाई। तो वाई आगे आएगा। अब दूसरा भाई, आपको बताने इसमें साइन होने से साइन को देखना पड़ेगा। दूसरा भाई का नाम क्या है? माइनस 3। अब ये दूसरा भाई भी इसी केक को खाएगा। शायद से केक बहुत टेस्टी है, इसलिए दोनों भाई इसी केक को खाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा? ब्रैकेट में दोनों नंबर है, दोनों से क्या है? बाहर का नंबर क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। तो वाई वाई क्या स्टूडेंट? वाई स्क्वायर 5 इंटू वाई 5y। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस माइनस, अगर 3 को हमने y से किया 3y। फिर से देखिए स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस 3 5 15। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, इजी है। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 से अगर 3 गया तो 2 आएगा, 2y माइनस 15। तो स्टूडेंट आसान था, आपको बस क्या स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है।
ठीक स्टूडेंट। चलिए टू भी हो गया, अब हम करते थ्री नंबर, ठीक है स्टूडेंट। आज ये बेसिक है, हम आराम से कराते हैं, आज कोई हड़बड़ी नहीं है स्टूडेंट। नंबर थ्री है a माइनस एट ए प्लस टू। फिर से स्टूडेंट, फिर से आप जो केक ले लीजिए, इसको पहला भाई, इसको दूसरा भाई, इसी केक को पहला भाई खाएगा फिर दूसरा भाई भी खाएगा इसको। a माइनस एट, इसको पहले पहला भाई का नाम क्या है a, अब दूसरा भाई प्लस टू, प्लस टू क्या है इसी केक को खाएगा a माइनस एट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। अब क्या होगा, a से क्या है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एट इंटू ए, एट ए होगा प्लस 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 टू इंटू ए, टू ए प्लस माइनस माइनस, अब टू एट जा सिक्सटीन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आसान है। तो आप स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर, आप माइनस प्लस क्या था स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस होता है आपको पता है, माइनस प्लस माइनस होता है, पर बड़ा कौन है यहाँ पर, एट है, जो बड़ा है उसी का साइन। देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, एट है, तो हमने माइनस दिया। आपको पता है माइनस प्लस माइनस होता है, एट से अगर मैंने टू को माइनस किया तो आपका सिक्स ए हो जाएगा माइनस सिक्सटीन। तो स्टूडेंट ये आसान है, ठीक है। चलिए आपका थ्री भी हो गया, कितना अच्छा है, थ्री भी हो चुका है अभी। अब हम स्टूडेंट फोर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नंबर फोर, अब नंबर फोर में क्या था स्टूडेंट, बी माइनस थ्री बी माइनस फाइव। तो आप फिर से देखिए स्टूडेंट केक, फिर से केक मेथड, इसको पहला भाई खाएगा फिर दूसरा भाई भी इसी को खाएगा। फिर से हम लिख लेते स्टूडेंट, आप क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, ये केक को आप मत लिखना एग्जाम में, मैं इसको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस केक को लिख लिया, अब केक को कौन खाएगा, पहला भाई, पहला भाई का नाम क्या है बी, ठीक है। अब दूसरा भाई माइनस फाइव, अब माइनस फाइव जो भाई था वो भी इसी केक को खाएगा बी माइनस थ्री। चलिए स्टूडेंट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, बी से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी को अगर दो बार किया तो स्टूडेंट क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अगर थ्री को बी से किया थ्री बी प्लस माइनस माइनस, फाइव को बी से किया फाइव बी माइनस माइनस प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो फाइव प्लस थ्री माइनस, क्योंकि ये बड़ा है इसी कारण से माइनस साइन दिया। आपको पता है स्टूडेंट माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, फाइव प्लस थ्री एट होगा, एट बी प्लस फिफ्टीन। तो स्टूडेंट आप जितना भी सम देख रहे हैं, सम क्या है आसान है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपके लिए सबका सब आसान है आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये भी हो गया, अब हम करते हैं नंबर फाइव स्टूडेंट। नंबर फाइव, टू एक्स सॉरी थ्री थ्री एक्स माइनस टू आई टू एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं थ्री एक्स माइनस टू वाई, ये था केक, केक था, इसको पहला भाई खाएगा ब्रदर वन, ये क्या है ब्रदर टू। अब इसी केक को पहला भाई का नाम क्या है,
टू एक्स। अब दूसरा भाई का नाम क्या है? वाई। अभी वाई भी सो खाएगा, थ्री एक्स माइनस टू वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट, थ्री टू जा सिक्स, एक्स इंटू एक्स क्या स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमेशा आप पहले देखना स्टूडेंट, पहले नंबर मल्टीप्लाई, थ्री टू जा सिक्स एक्स, उसके बाद अल्फाबेट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, फिर से टू टू जा फोर एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या स्टूडेंट पीछे रहेगा, प्लस आप इसको देख लीजिए स्टूडेंट थ्री होगा, एक्स वाई है, एक्स वाई लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस टू वाई वाई, दो वाई है, तो स्टूडेंट क्या होगा वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, पर बड़ा कौन है, फोर बड़ा है, तो हम माइनस लेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो फोर से अगर थ्री को माइनस किया, आपको पता है स्टूडेंट फोर माइनस थ्री वन आता है, पर हम वन कभी नहीं दिखाते स्टूडेंट, हम क्या दिखाते स्टूडेंट पीछे में क्या था एक्स वाई ना, तो हम सिर्फ एक्स वाई दिखाएंगे, वन नहीं दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, माइनस टू वाई स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आपको आसान है। चलिए फाइव के बाद सिक्स और सेवन करते स्टूडेंट, हमें एक भी सम नहीं छोड़ना स्टूडेंट, इजी है। ठीक है, इजी का मतलब ये नहीं कि आप एक भी सम नहीं करेंगे, आपको सब सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फाइव ए प्लस सिक्सटीन, थ्री ए माइनस सेवन। फिर से स्टूडेंट इसको हम केक मान लेते हैं, ये ब्रदर वन ये ब्रदर टू। ठीक है, तो आप याद से स्टूडेंट केक को तो सब पसंद करता है, चले केक। अब ये भाई बेचारा देखिए इसको आराम से खा लेगा, खुशी खुशी केक को खाएगा, और दूसरा भाई बोला मैंने थोड़ी गलती किया तो मुझे भी खाना है, तो दूसरा भाई क्या है इसी केक को फिर से खाएगा। 5a ए प्लस सिक्सटीन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 फाइव जा फिफ्टीन, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन, थ्री जा फोर्टी एट, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, ए प्लस माइनस माइनस, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, ए माइनस प्लस माइनस, सिक्सटीन को अगर मैंने सेवन से किया, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, टू फोर कैरी, सेवन वन जा सेवन, सेवन प्लस फोर इलेवन, वन वन टू। ठीक है स्टूडेंट, तो आसान लग रहा है आपको ये सब, आप इसको देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन अभी आराम से करते हैं, फिफ्टीन ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या स्टूडेंट माइनस होता है, अगर 48 से 35 को माइनस करें स्टूडेंट ये तो बड़ा है तो प्लस साइन होगा, जो बड़ा है उसी का साइन यूज करते हैं। अब 48 से अगर 35 को माइनस किया तो 13 ए आएगा माइनस 112। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको। चलिए स्टूडेंट इसका बाद हम करेंगे नंबर सेवन, इसी का नंबर सेवन, आज ये जस्ट स्टार्टिंग है, तो हम स्टूडेंट सम पर कम किया है, और भी सम करेंगे स्टूडेंट आपको। ए माइनस बी, एट माइनस बी, नेक्स्ट क्या है थ्री प्लस बी, सेम प्रोसेस अब तो समझ गए स्टूडेंट, ये केक है, इसी केक को पहला भाई थ्री, अब दूसरा भाई बी इसी केक को खाएगा, देखिए ए एट माइनस बी, एट माइनस बी।
अब क्या होगा स्टूडेंट, ये थ्री से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, थ्री एट ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस, थ्री इंटू बी, थ्री बी प्लस 8 into b 8b प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, क्या स्टूडेंट बी स्क्वायर। सो आंसर कितना स्टूडेंट 24 प्लस माइनस माइनस, आपको पता है स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है, पर बड़ा कौन है 8b, तो प्लस रहेगा 8 माइनस 3 5b माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं आपको। अब स्टूडेंट यूज डायरेक्ट मेथड टू इवैल्यूएट, तो स्टूडेंट ये सेम वन जैसे ही है, पर इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मूला बेस करते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस। हाँ, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट फॉर्मूला है, आप यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, इसमें पर बोला है डायरेक्ट मेथड बोला है, तो हम डायरेक्ट ही करते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट सम करते हैं, इसको सेम वही प्रोसेस है, इसको केक मान लेते हैं स्टूडेंट, ये ब्रदर वन ये ब्रदर टू, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड ही कर रहे हैं। एक्स प्लस वन, इसको पहले केक को कौन खाएगा स्टूडेंट, पहला भाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, माइनस वन सेकेंड भाई इसी केक को खाएगा एक्स प्लस वन, तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स क्या है वन एक्स, अब माइनस प्लस एक्स स्टूडेंट देखिए माइनस प्लस, तो माइनस होगा वन इंटू वन वन होगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बहुत आसान था स्टूडेंट ये, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसका बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर भी स्टूडेंट आसान है, टू प्लस ए टू माइनस ए, फिर से डायरेक्ट स्टूडेंट, तो इसको के की मान लेते हैं, ये पहला भाई खाएगा ये दूसरा भाई, टू प्लस ए को पहले टू से करेंगे, उसके बाद माइनस ए से इसी केक को खाएगा स्टूडेंट, टू प्लस ए सेम प्रोसेस, केक को पहला भाई खाया फिर दूसरा भाई, टू टू जा फोर, टू इंटू ए टू ए, टू इंटू ए टू ए, प्लस माइनस माइनस इंटू ए ए स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट सेम चीज एक प्लस एक माइनस होने से जैसे टू माइनस टू क्या होता है स्टूडेंट जीरो, तो दोनों कैंसिल, आंसर क्या स्टूडेंट फोर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आसान था स्टूडेंट, ठीक है टू का। चलिए हो गया टू, हो गया स्टूडेंट टू का टू, नाउ थ्री स्टूडेंट, थ्री बी माइनस वन थ्री बी प्लस वन, फिर से केक स्टूडेंट थ्री बी माइनस वन, इस केक को पहला भाई थ्री बी दूसरा भाई है प्लस वन, ये भाई इसी केक को खाएगा थ्री बी माइनस वन, तो स्टूडेंट आप यह देख सकते हैं थ्री थ्री जा हमेशा आपको पता है ना नंबर नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, थ्री थ्री जा नाइन बी इंटू बी बी स्क्वायर, अब थ्री बी को अगर वन से किया तो माइनस थ्री बी, थ्री बी को अगर वन से किया प्लस थ्री बी प्लस माइनस माइनस वन इंटू वन वन ही रहेगा, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट माइनस प्लस कट नाइन बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट इजी था टू का थ्री। अब हम करेंगे इसके बाद
टू का फोर, रोमन फोर, फोर प्लस फाइव एक्स, फोर माइनस फाइव एक्स। तो स्टूडेंट ये देख सकते फिर से केक आ गया, फोर प्लस फाइव एक्स को पहले फोर से करेंगे माइनस सेकेंड वाला फाइव एक्स पूरा केक से, केक का नाम क्या है फोर प्लस फाइव एक्स। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी एक्स प्लस माइनस माइनस, फाइव फोर जा ट्वेंटी एक्स प्लस माइनस माइनस, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अरे वाह फिर से देखिए प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी कैंसिल, कितना अच्छा स्टूडेंट बहुत जल्दी कैंसिल होता है, सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, आप घर पे इसी को स्टूडेंट आप टोटल एट तक करिए स्टूडेंट, वन का सब करना और टू का एट तक करिए स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क रहेगा आज। मैंने फोर तक किया, आपको बाकी फोर भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।